हाय, मैं हूँ डॉक्टर अप्रतिम गोयल और मैं प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई में। मेरे क्लिनिक का नाम है क्यूटी स्किन सॉल्यूशन और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आज से 22 साल पहले, जब मैंने अपना क्लिनिक खोला सबसे पहले। लेकिन उसके साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मेरे जो पेशेंट्स आते हैं वो कोई फिल्म स्टार की स्किन से इंस्पायर नहीं होते हैं, वो बेसिकली मेरी स्किन देखकर इंस्पायर होते हैं। तो मेरी स्किन केयर जर्नी भी 22 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी। अभी मुझे टिपिकली एक्ने तो कभी नहीं हुए, लेकिन स्किन बहुत डल थी क्योंकि कभी उसकी केयर नहीं की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पिछले 2 डिकेड्स में अपनी स्किन को यहाँ तक लाने के लिए क्या किया है और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए, स्किन केयर समझने से पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। वैसे तो हर स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, बिकॉज आपको कभी तो लगेगा कि आपकी ड्राई स्किन है और कभी लगेगा कि वो ऑयली स्किन है, राइट? तो इससे कंफ्यूज मत होइए। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे लिए समझना कि आपको पिंपल्स आते हैं क्या, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या नहीं, और दूसरा है कि आपका वेट ओवर द इयर्स कैसा रहा है। जब हम सडनली बहुत वेट गेन कर लेते हैं और फिर वेट लूज करते हैं तो स्किन में जो इलास्टिक और कॉलेजन बंडल्स होते हैं वो खिंचते बहुत हैं। जैसे प्रेगनेंसी में स्टमक खिंचता है और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ऐसे फेस पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते लेकिन वहाँ पर लाइन्स और रिंकल्स आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी लड़ाई है एक अच्छी स्किन से वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अपना जो दिन शुरू करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, मैं पहले जब भी उठूँ, आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, लेकिन सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ और यहाँ मैं एक प्लेन क्लेंजर, यू नो, मोर ऑफ अ क्रीमी क्लेंजर, बिकॉज रात में ओवरऑल सोने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं और सुबह स्किन पे कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं होता, बस रात के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं एक नॉर्मल क्रीमी क्लेंजर यूज़ करती हूँ, उसमें कोई स्क्रब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बिफोर मैं वहाँ से स्टेप आउट करूँ, आई पुट अ सीरम ऑन द स्किन। अभी मैं पर्टिकुलरली एक सीरम को स्टिक नहीं रहती हूँ, आई यूज़ विटामिन सी सीरम, आई यूज़ हाइलुरोनिक एसिड सीरम और कभी कभी मैं इन दोनों को कंबाइन भी कर लेती हूँ। कंबाइन करने में एक प्रोडक्ट लगा के और फिर उसके ऊपर सेकेंड प्रोडक्ट लगाना है, अब स्किन हो जाती है बेसिकली रेडी, उसके ऊपर सीरम लगा हुआ है। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है वो है मॉइस्चराइज़र। आई नो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसे, यहाँ उनका आंसर आएगा सनस्क्रीन, लेकिन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। सो मैं नेक्स्ट लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। और क्या दिन का मॉइस्चराइज़र और रात का मॉइस्चराइज़र सेम होता है? मेरे ओपिनियन में नहीं। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, तो यहाँ वी यूज़ समथिंग विच इज़ अ लाइट मॉइस्चराइज़र विच इज़ लोशन बेस्ड। और एक और सीक्रेट बताती हूँ आपको, मैं क्या करती हूँ, जो भी मॉइस्चराइज़र होता है अगर मुझे वो थोड़ा भी ठीक लगता है तो मैं उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेती हूँ, तो वो बन जाता है इमल्शन और दिस गोज़ ऑन माई फेस। नेक्स्ट, अब मेरी स्किन जस्ट रेडी हो गई क्योंकि उसको खाना पीना मिल गया, सो दैट्स अ ब्रेकफास्ट फॉर माई स्किन। नाउ नेक्स्ट गोज़ ऑन माई स्किन इज़ अ प्राइमर और अ बैरियर जेल, बिकॉज अगेन बिफोर आई स्टेप आउट मैं नहीं चाहती कि धूल मिट्टी से या धूप से या गर्मी से या स्ट्रॉन्ग एयर कंडीशन से मेरी स्किन का मॉइस्चराइजर निकल जाए, राइट? तो उसके लिए आई पुट अ बैरियर जेल ऑन द स्किन एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पुटिंग मेकअप ऑल्सो, सो नेक्स्ट इज मेकअप। सो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ अपना डेली रूटीन, आई यूज़ अ क्लेंजर, आई यूज़ अ मिक्सचर ऑफ सीरम्स, देन आई यूज़ अ लाइट मॉइस्चराइजर, अ बैरियर जेल एंड अ मेकअप इफ नीडेड। सो आप सोचोगे कि इसमें सनस्क्रीन तो है ही नहीं, सो यू आर राइट, आई डू नॉट यूज सनस्क्रीन ऑन अ डेली बेसिस, आई यूज़ मेकअप विच ऑल्सो गिव मी सन प्रोटेक्शन, आई एम हार्डली इन द सन एंड वेन आई हैव टू आई यूज़ अ ओरल सनस्क्रीन, दैट मीन्स येस आई ईट माई सनस्क्रीन। सो ये होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन। नाउ व्हेन आई एम बिजी इन द डे, सो ऑब्वियसली ना तो मैं मॉइस्चराइजर बार बार लगा रही हूँ ना सीरम, सो व्हाट आई डू इज आई एम वेरी 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 फॉन्ड ऑफ मिस्ट्स, फेशियल मिस्ट्स। सो आई हैव लाइक अ रो ऑफ मिस्ट विच आई कीप, सो वेर एवर आई सी अ मिस्ट आई बाय इट, इट शुड बी स्मेलिंग गुड, दैट इज़ अ प्राइमरी क्राइटेरिया, एंड इन बिटवीन डे टाइम मैं बार बार हर 1-2 घंटे बाद वो मिस्ट फेस पे लगाती रहती हूँ, जिससे मेरा फेस फ्रेश भी रहता है, मेकअप ड्राई आउट भी नहीं रहता है और स्किन पे एक शाइन रहती है। And then of course busy day होने के बाद I go back and first thing which I do is I remove my eye makeup. So eye makeup के लिए I personally use a micellar water, but yes you can use baby oil or some oil based
मेकअप रिमूवर, बट उसमें क्या होता है कि फिर बहुत सारे यू नीड अ लॉट ऑफ क्लेंजर टू रिमूव इट फ्रॉम द फेस. तो मुझे पर्सनली ऑयल्स एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करना पसंद नहीं है. आई यूज़ अ मिसला वाटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर. सो उससे पहले आई मेकअप एंड देन फिर रेस्ट ऑफ द फेस और फिर शुरू होती है मेरी नाइट केयर जर्नी. सो नाइट रूटीन में व्हेन आई यूज़ अ क्लेंजर आफ्टर मेकअप रिमूवर आई लाइक टू हैव अ लिटिल स्क्रब इन इट. अब डिपेंडिंग ऑन ऑयलीनेस एंड ड्राइनेस हो सकता है मैं उसे रोज यूज़ करूँ या आई ऑल्टरनेटेड विद द नॉर्मल क्लेंजर. बट बहरहाल द फर्स्ट स्टेप इज के आई गेट एवरीथिंग ऑफ माई फेस. दैट स्टेप वन. नाउ स्टेप टू इज अगेन माई फेवरेट प्रोडक्ट विच मोस्ट ऑफ यू नो विच आई हैव सेड इट लॉट ऑफ टाइम्स इज रेटिनॉल्स. सो आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ रेटिनॉल एंड यू नो अब तक तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2% से ऊपर पहुँच गया है. बट वेन समबडी स्टार्ट्स रेटिनॉल यू शुड स्टार्ट विद अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्किन को इरिटेट भी कर सकता है. माइन इज अ मोर ऑफ अ मेच्योर्ड स्किन सो नाउ आई एम स्टेपिंग अप माई रेटिनॉल एंड आई नेक्स्ट पुट इज अ रेटिनॉल विच इज अ सीरम बेस्ड रेटिनॉल ऑन माई एंटायर फेस. Next goes on again one of my favorites but a must for everybody every age group and that is a moisturizer or a night cream. Now night cream particularly at this time I use something jisme ceramides ho glycerol ho which is little richer and thicker because mujhe acne aane ka koi dar nahi hai. My skin is not acne prone. I can even put a thick layer of oil or butter on my face and sleep aur mujhe acne nahi honge. Nahi aapko butter or oil nahi lagana hai but I was just saying ke my skin even if it's occluded it doesn't break out into acne. So I use a moisturizer which is ceramide based. You can always choose a facial oil also because there are loads of facial oils which are light, which are packed with ingredients and they are very good for your skin, especially in the winter time. And that's it. I go to bed. Now ये तो होता है daily का routine which I do not miss. Sometimes when I'm too tired, I miss my dinner, but I do not miss my night care. That's how important it is for me. However, जैसे आप पैम्परिंग करते हैं ना, जैसे एक दिन छोले भटूरे का दिन होता है या वड़ा पाव का दिन होता है, ऐसा ही मैं अपनी स्किन को भी बहुत पैम्पर करती हूँ. सो दैट इज़ द डे व्हेन आई यूज़ सम मास्क्स. आई यूज़ लॉट ऑफ पैम्पर माई स्किन विद लॉट ऑफ नरिशिंग इन्ग्रीडियंट्स. इसमें आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ होम केयर इन्ग्रीडियंट्स. सो आई डू यूज़ लॉट ऑफ आइस क्यूब्स विच आई मेक विद नीम रोज वाटर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स. वो मेरे फ्रिज में हमेशा होते हैं. So I use them, I just rub because it takes around 20 minutes to use one cube on the entire face. और जब स्किन प्रिपेयर हो जाती है बिकॉज इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, उसके बाद आई ऑल्सो मेक सम होम मास्क एंड अप्लाई इट. यहाँ मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ. दिस इज़ माई रेसिपी फॉर द मिस्ट एंड दिस इज़ माई रेसिपी फॉर होम मेड मास्क विच आई यूज़ फॉर माई स्किन. सो इफ़ यू हैव अ सिमिलर स्किन टाइप यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. अब एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि देखिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन एड्रेस फ्यू कंसर्न्स ऑन योर स्किन. फॉर एग्जांपल अगर किसी को डबल चिन है तो नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प. अगर आपकी स्किन बहुत लूज है और बहुत रिंकल्स हैं सो नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प. अगर आपको आँखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं सो नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प. तो ये प्रोडक्ट्स जब आप स्टार्ट करें तो ये ध्यान रखें कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं. वो प्रोडक्ट बेसिकली आपकी स्किन पे जो आप चाहते हैं वो करने के काबिल भी है या नहीं. मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे स्किन कंसर्न्स हैं जो प्रोडक्ट से एड्रेस नहीं होते हैं. सो फॉर मी आई एम बोटॉक्स लवर. बोटॉक्स ब्रांड नहीं, आई यूज़ ऑल द ब्रांड्स विच आर अवेलेबल. सो आई डेफिनेटली यूज़ अ बॉटुलिनम टॉक्सिन एंड ये मैं जब मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस थी विच इज़ 2001 मैं तब से हर 6 to 7 months बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस फॉर रिंकल्स ऑन माई अपर फेस कर रही हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले मैं 5 मिनट से बात कर रही हूँ लेकिन मेरे फेस पर रिंकल्स नहीं है, राइट. सो बॉटुलिनम टॉक्सिन इज़ समथिंग जो आप अर्ली स्टार्ट करें, अर्ली 30s या लेट 20s में आप ये इंजेक्शंस लेना शुरू करें. इट इज़ समथिंग विच इज़ प्रिवेंटिव फॉर एजिंग. सो इट इज़ अ प्री एजिंग और एंटी एजिंग स्किन केयर. ऐसा नहीं कि जब लाइंस पूरी फॉर्म हो जाएं, जब आप 50th बर्थडे मना लें तब आप बोटॉक्स शुरू करें. नहीं, इट हैज़ टू बी स्टार्टेड अर्ली.
एंड देन आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ ट्रीटमेंट्स विच वी डू फॉर आर क्लाइंट्स. सो यू नो रेगुलर फेशियल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स फॉर स्किन टाइटनिंग. इफ एनी ऑफ यू नो आई वॉज वेरी ओबीज अर्लियर एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. उसके साथ बहुत ज़्यादा स्किन ढीली पड़ गई थी एंड फेस स्टार्ट्स लुकिंग वेरी टायर्ड एंड डल. तो उस वक्त आई डिड कपल ऑफ सेशंस ऑफ हाइफू ट्रीटमेंट ऑल्सो, विच इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड. सो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो मैंने किए हैं, ये भी मैं आपको यहाँ, शायद आपको इतनी जल्दी में समझ नहीं आएंगे, तो आई एम जस्ट लिस्टिंग ऑल द ट्रीटमेंट्स हेयर. दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट्स विच I do personally, and so in short, this is what I do. I am also into a lot of yoga and dancing, as you are aware. So it's very important that you know you do things which make you happy and your skin happy. So I also keep modifying my skincare because you know itne sare nye ingredients hamari industry mein aa rahe hain. So I'm not somebody who's going to stuck on one product. So yes, I keep evolving my skincare, but as of today, this is what I do for my skin.